नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद किक्के में। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 1 अक्टूबर को जिन भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उन सारे टॉपिक को हम 2 दिसंबर के लिए अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। उसी क्रम में हमने पाया कि ओलंपिक से भी क्वेश्चन आया था, तो ओलंपिक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं सब पर मैं डिटेल में चर्चा करूँगा और अच्छे से इसको समझेंगे, समझते हुए आगे चलेंगे। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था, यही क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस 1 अक्टूबर के एग्जाम में। तो प्राचीन ओलंपिक खेल का जो प्रारंभ है दोस्तों वह 776 ईस्वी पूर्व हुआ है। कब हुआ है? 776 ईस्वी पूर्व। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब अगर पूछे इस बार कि आधुनिक ओलंपिक, ये तो प्राचीन ओलंपिक पूछा था, इस बार अगर पूछे आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ, तो बताएंगे 1896। कितना ईस्वी? 1896। पहला जो हुआ था वो 776 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना, और दूसरा है 1896 में, ध्यान दीजिएगा। तीसरा चलते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ जो है वह कहाँ से हुआ था? 1896 में जो प्रारंभ हुआ है वह कहाँ से हुआ है प्रारंभ? तो प्रारंभ जो हुआ है एथेंस, यूनान की राजधानी है, यूनान की राजधानी है एथेंस, तो एथेंस से ही इसका प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, है ना, जब खेल होने से पहले एक समिति बनी थी, तो पूछता है कि यह समिति जो है वह कब बनी थी? तो यह समिति 2 वर्ष पहले, खेल शुरू होने से 2 वर्ष पहले यानी 1894 में बनी थी। कब बनी थी? 1894 में, सखोन नामक जगह पर, ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय, ये जो समिति बनी थी तो इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है, लुसाने यही इसका मुख्यालय है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कार्यकारिणी समिति, इसकी एक कार्यकारिणी समिति है, तो पूछता है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य, यानी कि कुल 11 सदस्यों की एक समिति है, मुख्य कार्यकारिणी समिति है ओलंपिक की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 7 नंबर, भारतीय ओलंपिक परिषद, ये तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक है, अब भारतीय ओलंपिक की बात की जाए कि भैया भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, तो बताएंगे 1924 में। कब? 1924 में प्रथम अध्यक्ष बने थे भारतीय ओलंपिक परिषद के, तो जे.जे. टाटा, ठीक, 1924 में जे.जे. टाटा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ओलंपिक में आपने एक ध्वज देखा होगा, झंडा देखा होगा, तो ओलंपिक ध्वज का सृजन कब हुआ था? अगर पूछे कि भैया ओलंपिक ध्वज का सृजन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1913 में। कब? 1913 में, और किसके सिफारिश पर हुआ था? तो उसका नाम है बैरोन पियरे डी कोवार्टिन। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम शामिल कब किया गया? देखिए 13 में तो सृजन हुआ, उसके 7 साल बाद एंटवर्प में हुआ था ये ओलंपिक 1920 में। कब? 1920 में, यही इसको शामिल किया गया था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे से इसको समझते चले हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो हम लोग संभावित सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। अब पूछते रहो कुछ भी, हमें डर नहीं है, क्योंकि हमने सब पढ़ा है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इस ध्वज का बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि कैसी है? अगर पूछे कि जो झंडा है उस झंडे की बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि कैसी है, तो बताएंगे कि ये तो सफेद है। कैसा? सफेद। इसमें 5 छल्ले यानी 5 चक्र बना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो नीला चक्र है वो यूरोप महाद्वीप को संकेतित करता है, काला चक्र है वह अफ्रीका महाद्वीप को संकेतित करता है, और हरा चक्र है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को संकेतित करता है, लाल चक्र है तो यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को संकेतित करता है, और पीला चक्र है यह अपने एशिया को संकेतित करता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान से देखिए, नीला यूरोप, काला अफ्रीका, हरा ऑस्ट्रेलिया, लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, और पीला चक्र है वह एशिया है, कोई दिक्कत नहीं।
ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब पूछता है कि ओलंपिक का मोटो क्या है, है ना? तो ओलंपिक का जो मोटो है वह है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, है ना? तेज, ऊंचा और बलवान इसका मोटो है। यह मोटो की प्रारंभ अगर पूछे कि यह मोटो जो है ओलंपिक का कब से प्रारंभ हुआ, तो बताएंगे 1920। कब बताएंगे? 1920 से इसका प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक मशाल। आपने देखा होगा कि ओलंपिक होता है तो एक मशाल जलते रहता है, यह प्रथा कब से शुरू हुई? तो ओलंपिक मशाल जलने की प्रथा जो है वह 1928 ईस्वी से एमस्टर्डम से शुरू हुई है। कब से? 1928 से मशाल जलने की प्रथा एमस्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुई है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ओलंपिक में कितने प्रकार के पदक होते हैं, तो आपको पता होगा स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक, तीन पदक होते हैं। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, याद हो जाएगा। दूसरा, ओलंपिक शुभंकर यानी मॉस्कोट की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो मैक्सिको ओलंपिक हुआ था 1968 में, यहीं से ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत हुई थी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ओलंपिक मशाल का वर्तमान स्वरूप, देखिए ओलंपिक शुरू कब हुआ था, ये मशाल कब शुरू हुआ था, 1928 में। ये जो वर्तमान स्वरूप है, जो अब ओलंपिक का मशाल जलता है जिस तरीके से, उस वाले की शुरुआत अगर पूछे तो बताएंगे बर्लिन, कहाँ की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और 1936 के ओलंपिक से यह शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलते हैं दोस्तों, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी, यह तैराक के खिलाड़ी हैं और एक ही ओलंपिक में इन्होंने लगातार 8 पदक जीता, 8 स्वर्ण पदक जीता, इनका नाम है माइकल फेप्स, है ना? यह तैराक हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ में होगा? तो वर्ष 2024 में अगर पूछे तो बताएंगे कि पेरिस में होगा। और 20 में कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पूछ दे कि 28 में, तो भैया 28 में लॉस एंजल्स में होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, पूछ सकता है ये दोनों। ओलंपिक चक्र को मान्यता कब मिली? तो ओलंपिक चक्र जो है, पांच जो चक्र है उसको मान्यता 1924 के पेरिस ओलंपिक में मिली है। देखिए यहां पर गौर करने की बात है, 2024 में भी पेरिस में होगा और 1924 में भी पेरिस में ही हुआ था, तो याद करना आपको आसान हो जाता है। 1924 में जो हुआ था वहां चक्र को मान्यता दे दी गई थी, जो पांच छल्ले हैं उसको, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक 2020-21 जो टोक्यो ओलंपिक था, इसका शुभंकर या मॉस्कोट कहें तो आप बताएंगे कि मिराज तोबा, है ना? क्या कहेंगे? मिराज तोबा इसका शुभंकर था। अगला और लास्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत की ओर से पहली बार किसने शिरकत किया था, मतलब भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला व्यक्ति, तो उसका नाम है पिचर्ड, यह ब्रिटिश मूल के हैं, ब्रिटिश मूल के थे, भारतीय, ठीक ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ओलंपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर चुका हूं और आप लोगों ने अच्छे से देखा है। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है, एक से दो बार अगर इसको देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको ईजिली याद हो जाएंगे, फिर आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यह सारे एग्जाम में आपको काम आएगा। जैसे बिहार पुलिस में पूछा, अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी भी कर रहे होंगे तो उसमें भी काम आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि चाहे जिस भी की तैयारी करें तो अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इतना एनफ है, लगभग 20 प्लस क्वेश्चन हैं जो आपको अच्छे से मैंने याद कराने की कोशिश की, अच्छे से याद करा दिया हूँ, ठीक ना? तो अगर और कोई समस्या है, किसी भी सवाल में डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।